हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट 91। स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे NPCIL के मैथ सेक्शन के बारे में। तो चलिए इस क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करता है। कहता है कि x अपॉन 1√128 इक्वल टू 162 अपॉन s में x की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 162 इंटू 128 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। अब फैक्टर कैसे निकालते हैं? फैक्टर निकालने के लिए सिंपली करते हैं 162 का फैक्टर निकालने हैं, कितना आ जाएगा? ये दो बार जाएगा, एट बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, फिर तीन दूनी छः, तीन सत्तर का 27 आ जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर ये 3 बार जाएगा और ये 3। हमें स्क्वायर के टर्म में निकालना है, तो ये सिंगल है, एक फैक्टर ये बन जाता है, एक फैक्टर ये बन जाता है, तो क्या हो जाएगा? तीन और तीन ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 9√2 हो जाता है। फिर सेम 128 का निकालेंगे, तो 128 का निकालने में कितना आता है? 8√2। अब हम 8 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आता है यहाँ पे? 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72। और √2 और √2 का जब मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है? 2 वैल्यू आ जाती थी। यहाँ टोटल वैल्यू कितना आई? 144 आ गया। ठीक है, 144 आ गया। अब ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो तो इसका अंडर रूट कर देंगे, कितना वैल्यू आ जाएगा? 144 का जब अंडर रूट कर देंगे कितना आ जाएगा? ये 12 आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है? 1.04 की पावर 1/4 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी है, इसको आप लिख लेते हैं। क्या कहते हैं? 1.04 की पावर 1/4 कैसे सॉल्व करेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है, उस पर आप रख दीजिए। क्या करते हैं इसका? 1+x की पावर n। ठीक है, अब हमको इस वैल्यू को इस फॉर्म में हमको लिखना है। ठीक है, तो ये जो फार्मूला होता है इसको क्या करते हैं, जब इसको उसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है n × x। ठीक, ये तो सेम इसको, इस वैल्यू को इस टर्म में आपको तोड़ना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, 1+0.04। ठीक है, 1+0.04 कर दिए और 1 की पावर 4 कर दिए। ठीक है, इस टर्म में आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 1+0.04। अब n की मल्टीप्लाई यहाँ आ गया तो ये हो जाएगा × 1/4 आ गया। तो ये और ये इस क्रॉस हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1.01। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे कितना टोटल आ जाएगा? 1.01। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1.01 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए क्या फॉर्मूला पे पुट करना है आपको, इस टर्म में बना लेना है इसका, ये 1+x की पावर n। तो सॉल्व करेंगे तो 1+nx इसमें आप सॉल्व करने तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 23 देखते हैं। 23 क्या बोलता है? कोस इनवर्स 0.5 का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो सिंपल कैसे करेंगे? ये कॉस इनवर्स हो गया 0.5, इसको हम थीटा मान लेते हैं। 0.5 को क्या मान कर सकते हैं इसको? ये कॉस इनवर्स से चला जाएगा, ये हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, और कॉस इनवर्स क्रॉस नीचे आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर 5 से कट गया, ये दो बार क्या हो गया? 1/2 हो गया, बराबर कॉस थीटा। तो 1/2 का मान किसका होता है? कॉस 60 का मान होता है। किसका मान होता है? कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। कॉस 60 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या इसका अवकलन ज्ञात करना है? 1/3 एस का स्क्वायर का अवकलन ज्ञात करना है, क्या डेरिवेटिव ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए हम अवकलन का जो
बेसिक फॉर्मूला सॉल्व करने क्या होता है, डी वाई डी एक्स जो होता है अपन डी अपॉन डी एक्स और एक्स पावर एन होता है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन। आप इस फॉर्मूले पे आप पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखते हैं, हो जाएगा वन बाई थ्री, ठीक है। ये एक्स का स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वन बाई थ्री। अब डी वाई डी एक्स कर देंगे, माइनस एक्स माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस टू का स्क्वायर। तो सॉल्व कैसे करेंगे, जब वैल्यू पुट करें करते हैं डिलीवर, तो ये माइनस टू मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स की पावर। अब क्या किया है, एक्स पावर एन माइनस वन किया है, एन माइनस वन मतलब माइनस टू माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, जब माइनस वन माइनस करेंगे तो ये वन बाई थ्री हो जाएगा इंटू माइनस टू इंटू एक्स की माइनस थ्री, ठीक है। अब इस वैल्यू को ऐड कर देंगे तो अपने पास यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, माइनस टू बाई थ्री और एक्स की पावर माइनस थ्री। जो माइनस थ्री नीचे आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो माइनस टू बाई थ्री जब ये हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइनस टू बाई थ्री, एक्स पर माइनस था तो नीचे आ जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस टू बाई थ्री एक्स का क्यू, ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा डेरिवेटिव का डेरिवेशन कैसे निकालते हैं, आप सिंपली याद रखिएगा डी वाई डी एक्स करते हैं और एक्स पावर एन माइनस वन करते हैं, इस टर्म में आप रख के आपको डेरिवेशन आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाता है, एक्स एन माइनस वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स इक्वल टू नाइन बाई इक्वल टू फाइव, रैखिक समीकरण का समाधान ज्ञात कीजिए। रैखिक समीकरण निकालना है, इसका मतलब इक्वल टू हमें जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, एक्स की बाई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जिसमें जीरो आ जाएगा वो आपका राइट आंसर होएगा, ठीक है। तो चलिए अगर हम पहले क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो टू इंटू नाइन प्लस फाइव, ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका, अठारह प्लस फाइव इक्वल टू जीरो में है, दो का है ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये तो नहीं होगा, पहला कैंसिल हो जाएगा। दूसरा चेक करते हैं, फाइव इंटू नाइन माइनस नाइन इंटू फाइव इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये फोर्टी फाइव हो जाएगा और ये फोर्टी फाइव हो जाएगा, तो ये जीरो आ गया, तो जीरो इक्वल टू जीरो, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए सी भी देख लेते हैं, सी में क्या हो जाता है, सी में वैल्यू पुट करेंगे तो सी में भी हो जाएगा फाइव इंटू नाइन प्लस थ्री इंटू फाइव, तो फोर्टी फाइव हो जाएगा, तीन पच्चीस पंद्रह हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पाँच दस पाँच एक साठ आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप वैल्यू पुट करिए और उसको इक्वल ला लीजिए, जो इक्वल आ जाए उसको वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छब्बीस नंबर, कहता है यदि ए थ्री पाई आर का स्क्वायर माइनस फोर पाई आर है तो आर बराबर फोर हो तो आर के संदर्भ में परिवर्तन दर ज्ञात करना है, ए का परिवर्तन दर ज्ञात करना, सेम इसका डिफ्रेंसिएशन आपका वही करना है, आपका डेरिवेशन करना है। चलिए क्या कहता है, एच इक्वल टू ये आर के टर्म में करना है, थ्री पाई आर का स्क्वायर माइनस फोर पाई आर, तो थ्री कॉमन हो जाएगा, न्यूमेरिकल पार्ट हमेशा कॉमन हो जाता है जब हम डेरिवेशन करते हैं, तो कॉमन हो गया और पाई कॉमन हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई आर के टर्म में हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर माइनस फोर पाई डी वाई डी आर। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, ये कॉमन फैक्टर ये थ्री आर, ये हो जाएगा अपना टू आर टू माइनस वन,
और ये फोर अपना कॉमन हो जाता है, ये हो जाएगा आर वन माइनस वन, तो हमारे पास वैल्यू कितने हो, क्या आ जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी थ्री पाई करेंगे तो यहाँ टू आर बचेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा अपना फोर पाई बचेगी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, थ्री पाई इंटू टू इंटू फोर, और ये फोर पाई सेम ऐसे रहेगा, तो कितना हो जाएगा ये अपने पास, ये ट्वेंटी फोर पाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा फोर पाई, तो माइनस कर दें कितना हो जाएगा ट्वेंटी पाई, कितना राइट आंसर क्या हो जाएगा ट्वेंटी पाई, इसका इस बीस का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको सिंपल डेरिवेशन क्या करना है, आपको सिंपल लगा देना है डी अपॉन आर के स्टूडेंट पूछा तो आर लगा देंगे, और क्या कर देंगे आर का स्क्वायर, तो ये आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू आर टू माइनस वन, तो टू आर की वैल्यू है, ऐसे सेम इसमें करेंगे तो आर माइनस वन करेंगे तो आर बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो द्विघात समीकरण के स्क्वायर की पावर टू होनी चाहिए, जैसे इसमें दिया हुआ स्क्वायर की पावर टू दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी स्क्वायर आ जाता है, ये क्यूब दिया हुआ है और ये स्क्वायर दिया हुआ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें क्यूब दिया हुआ है, अब हमें पूछा स्क्वायर की पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल पूछता है, थोड़ी ट्रिकी पूछता पर क्वेश्चन इजी पूछता है, इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना, तो आप सिंपल घनमूल निकालने के क्या करेंगे, देखिए एक ये आप सिंपल इसको कर लें अंडर रूट 512, अब देखिए पॉइंट कितने में लगा है वन, ये तीन हो गए और ये तीन, ठीक है, 512 किसका घनमूल होता है, 512 किसका घनमूल होता है, आठ का घनमूल होता है, आप याद करके रखिएगा, एक से 20 तक आप वर्गमूल और घनमूल जरूर याद करके रखिएगा। अब ये किसका वर्गमूल है, घनमूल है, किसका घनमूल है, ये हो जाएगा ये दो जीरो, ये दो दो, ये दो जीरो, तो किसका हुआ, ये सौ का घनमूल है, किसका घनमूल है, ये सौ का घनमूल है, ठीक, ये हो गया 512 किसका घनमूल, आठ का घनमूल है, और ये बनाने में कितना घनमूल है, ये सौ का घनमूल है, तो इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 0.08 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ईजी आता है, थोड़ा ट्रिकी आता है, तो आप अच्छे सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.08 बी। अब बोलता है सबसे अधिकतम संख्या कौन सी है, अधिकतम संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है, तो 4000 सब में कॉमन है, फिर ये देखिए 600 है, 60 है, ये छोटी है, ये 500 है, ये 6000, ये 4600 है, और ये 4605 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, डी है, और अगर सबसे छोटी संख्या पूछ ले तो फिर ये बी है, और सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ये 4600 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना 0.91, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वन इज फंक्शन, ठीक है, कैसा फंक्शन है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वन कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, नॉन ऑफ दिस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, ये ऑड फंक्शन है, क्या है, ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है अंडर रूट 32 और अंडर रूट 48 बटा अंडर रूट 8 और अंडर रूट 12 का मान ज्ञात करना है, तो सिंपल जैसे पहले उस क्वेश्चन ज्ञात किए थे ऐसे करना है, सिंपल आप लिख लो अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 48 बटा अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12, ठीक है, तो सिंपल हम इसको पहले फैक्टर निकाल लेते हैं,
फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता है, फैक्टर इस टाइप को निकालते हैं, 32, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 2 4 एंड 2 एकम 2। ठीक है, एक फैक्टर ये है, एक ये है। ठीक, तो इसका क्या लिख देंगे हम, 4√2 ये हो जाएगा, प्लस सेम 48 का निकालेंगे, 48 का कितना आता है, 4√3 आता है बट्टे में। अंडर रूट 8 का निकालते हैं तो सिंपल ये आता है, सेम ऐसे निकालना है, और फिर इसका निकालेंगे 12 को, √3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो ये 4 कॉमन है, ये 2 कॉमन, तो कॉमन ले लेंगे, ऊपर से 4 कॉमन ले लिए, नीचे से 2 कॉमन ले लिए। ठीक है, और तो बचेगा √2 + √3, और नीचे भी क्या है, √2 + √3 है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो अपने पास वैल्यू क्या बचेगी, अपने पास वैल्यू बचेगी 4/2, तो ये क्रॉस हो जाएगी, तो क्या बचेगा 2, तो लास्ट में अपने पास क्या बचता है, 4/2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे √2 + √3 कॉमन था और नीचे भी कॉमन है, तो ये क्रॉस हो जाते हैं, तो बचता 2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, फैक्टर निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, 249 का स्क्वायर - 248 का स्क्वायर। ठीक है, अभी आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, किस फॉर्मूले पे का यूज किया गया, यहाँ पे यूज किया गया है a² - b² देख रहे हैं, ए बी क्या हो जाएगा, a + b और a - b, तो यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, a = 249 एंड b = 248। ठीक है, एक वैल्यू हमने क्या मान लिया, 249, और b की वैल्यू मिले 248, तो अब से फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो a + b बोला है, तो 249 + 248, और यहाँ पे 249 - 248। ठीक है, कितना वैल्यू आ जाएगा, यहाँ जब ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 497 इंटू, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1, तो हो जाता है 497, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 497। तो ये आपको पहचानना है कि किस फॉर्म में दिया है, ये फॉर्मूले के फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 समांतर वेक्टरों का क्रॉस उत्पाद क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है, जो 2 पैरेलल वेक्टर हैं। ठीक है, तो जो पैरेलल का होता है क्या क्रॉस प्रोडक्ट होता है, 0 होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू होगी साइन एक्स, क्या होगी, साइन एक्स। तो आप एक ये कोऑर्डिनेट याद किए रहिएगा, ये साइन कॉस वाला कोऑर्डिनेट है, साइन कॉस का जो कोऑर्डिनेट होता है इसको आप याद करके रखिएगा, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन सा, ये तो इसको इसका फॉर्म चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, देखिए 0.00012 75, सिंपल इसको लिख लेते हैं, तो 1275। ठीक है, कितने जीरो है इसमें, 1, ये 4 जीरो, सिंपल ये 4 जीरो हो गया, फिर ये 4 जीरो। ठीक है, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो, तो हम सिंपल लिख सकते हैं 12/75 × 10^8। ठीक है, अब 10^8 ऊपर चला जाए कितना हो जाएगा, 12 75 × 10^-8 हुआ। अब हमें ऑप्शन देखना है किस फॉर्म में लिखना है, ये 5^5 में लिखा हुआ। ठीक, तो ये 1.275^-5, ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जो आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, -3 क्यूब का स्क्वायर। जब भी ऑड की पावर होती है तो हमेशा माइनस में ही आता है आंसर, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये माइनस थ्री तो क्या हो जाएगा, -27 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर ऑड है, ठीक। फिर इसका जब अब बाहर साइड में माइनस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये +27 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल .91 एंड लाइक द वीडियो। अब क्या कहता है, इफ 1x2 एंड 4x2 ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसमें हमें वैल्यू निकालना है, के की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे निकालते हैं, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो के इक्वल टू हो जाएगा के इंटू वन एंड माइनस के का एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो का टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 8 आएगा, इक्वल टू 0, ठीक। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यही मैट्रिक्स दे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 10x अंडर रूट है, तो एस का मान ज्ञात कीजिए। तो अब किस में 10x की वैल्यू होती है, अंडर रूट थ्री किस में होती है, तो हो जाएगी अपनी की 1060 में 10 की वैल्यू कितना होती है, √3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है। एक बैग में 10 काले और 20 सफ़ेद रंग के गेंद है, एक समय पर एक ही गेंद बिना सोचे निकाली जाती है, फिर सफ़ेद गेंद निकालने की संभावना क्या है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, सफ़ेद गेंद निकालने की संभावना। तो ऐसे में हम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले आप टोटल नंबर ऑफ गेंद निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ गेंद कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ गेंद क्या होगा, 30 हो जाएगा। अब काली गेंद ब्लैक कितनी गेंद है, ब्लैक गेंद 10 है, एंड वाइट गेंद कितनी है, 20 है, ठीक है। तब क्या है, वाइट गेंद निकालने की प्रयोगिता बोला है, तो ठीक हो, तो टोटल वाइट गेंद कितने, 20/30 क्रॉस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2/3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है, तो 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 40 नंबर क्वेश्चन। cos 52 प्लस cos 68 प्लस cos 172 तो वैल्यू ज्ञात करना है। ये सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको इसमें आप दिमाग लगाना है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको कन्वर्ट करना होता है। कैसे करेंगे, ये cos 52 है प्लस, अब हम तो इसको एज इट लिखते हैं, cos 52 प्लस cos 68, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब cos 172 को आप इस टर्म में लिख सकते हो, cos 180 - 8। इन क्वेश्चनों को ऐसे चेंज करके सॉल्व किया जाता है। ये जो आपने मैंने बताया ना आपको, ये जो cos sin और ये cos, ये वाले जो टर्म होते हैं इसको आप याद रखिएगा, ट्रायंगल। तो आप इसको, ये सिंपल आप इसको लिख सकते हैं ना, cos 180 - 8, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये -cos 8 आ जाएगा, और ये वैल्यू सेम रहेगी, cos 52 डिग्री प्लस cos 68 डिग्री, ठीक है। तो cos 52 एंड cos 8 से एक फार्मूला बन जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा देखिए cos 52 - cos 8। तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज होगा, कौन सा फार्मूला, cos a cos b का फार्मूला यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू अगर हमें एक फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा करेंगे, cos a - cos b। ये सिंपल फार्मूला या यूज कर लेंगे, तो इसका फार्मूला क्या, क्योंकि हाँ फार्मूला के टर्म में हमारा आ गया है, हम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या कहता है, -2
साइन ए प्लस बी बाई टू एंड साइन ए माइनस बी बाई टू, ये फार्मूला यूज करेंगे। अब ये फार्मूला वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो माइनस टू साइन फिफ्टी टू प्लस एट अपॉन टू, और ये साइन यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं और इजी रहते हैं, ज़्यादा टफ नहीं रहते। ये प्लस अपना बचा हुआ था कितना, कॉस 68, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस टू हो जाएगा, और ये साइन कितना हो जाएगा, साइन आ जाएगा 30 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इनटू साइन कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 22 आ जाएगा। तो साइन 30 वाली कितने होते हैं, 1/2 होती है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी आपसे बनेगा ये, ठीक है। और ये क्रॉस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन 22 और प्लस ये आ जाएगा कॉस 68। अब कॉस 68 को भी माइनस 22 के टर्म में चेंज कर लेंगे, तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन 90 माइनस 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस 68 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देख लेंगे, हो जाएगा माइनस साइन 22 प्लस साइन, ये भी आ जाएगा 90 माइनस 22 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन 22 प्लस साइन 22, ये हो जाएगा 0। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। मुझे समझाने में टाइम लग गया, टाइम लगता है, बस आपको इस टर्म को तोड़ना है, जो छोटे टर्म में बनाना है आपको, जो बड़ी वैल्यू है उसको छोटे टर्म में बनाना है और सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, तो आपका आंसर ईजी आ जाएगा। तो इसका सीज का राइट आंसर हो जाएगा 0। तो ठीक है स्टूडेंट, आप ये साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये सारे फॉर्मूले आपको बनने चाहिए, और आपका ये वाला क्वाड्रेट वाला साइन कॉस थीटा, ये वाले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। चलिए आज के लिए इतना ही, और आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना 0.91, और वीडियो को लाइक कर दो। और मैं मैथ का अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्लास लेके आता हूँ, लाऊँगा, ठीक। हमारे चैनल पर बने रहिए, थैंक यू।